सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, ये हैं अ अमन और अ अनीशा। आज इनकी छुट्टी है, इसलिए ये अपनी अ अम्मा के घर जा रहे हैं। अम्मा ने इन्हें अ अरहर की दाल चावल और अ अदरक का अ अचार खिलाया। इन्हें यह खाकर बहुत अ अच्छा लगा। इसके बाद शाम को यह बाग में भी गए। वहां इन्हें कई तरह के पेड़ दिखे, जैसे अमरूद का पेड़ और अनार का पेड़। इन्हें अनानास भी दिखा। ये देखकर इन्हें खूब अच्छा लगा। उसके बाद इन्होंने अपनी अम्मा के घर वापस जाने का सोचा। रास्ते में इन्हें अजगर दिखाई दिया, जिसे देखकर ये बहुत घबरा गए और अपनी अम्मा के घर भागे। और अम्मा ने इन्हें खुश करने के लिए अमन को अचकन दी और अनीशा को की अभ्यास पुस्तिका। ये पाकर दोनों को बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, इस कहानी में बहुत सारे शब्द हैं, पर इन शब्दों में से कई शब्दों का एक ही स्वर है और बार बार उसी की ध्वनि आ रही है। तो एक बार हम इन सभी शब्दों को दोहराते हैं और पता लगाते हैं कि ये ध्वनि किसकी है। अ अमरूद, अ अदरक, अ अचार, अ अम्मा, अ अनार, अ अनानास, अ अजगर। इन सब में अ की ध्वनि आ रही है। तो बच्चों, क्या आप अ को लिखना सीखना चाहते हैं? ये तो बहुत आसान है, आओ अ लिखना सीखते हैं। आधा गोला, एक और आधा गोला जिसकी तिरछी रेखा बीच में से सोती रेखा, एक खड़ी रेखा और एक छत। दोबारा देखिए, अब बच्चों आपको इस स्वर अ को अ अखबार पर इंद्रधनुषीय रंगों के प्रयोग से बनाना सीखना है। यह कितना अच्छा लग रहा है। तो बच्चों, आप भी घर पर अखबार पर इस अ स्वर की अब अभ्यास करें। बाय।